हेलो एवरीवन, टुडे वी आर लर्न टू लिफो मेथड एग्जांपल। आज हम एक एग्जांपल करेंगे, वो है लिफो मेथड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर टू। देखते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग परचेज एंड इश्यू सेल्स फॉर रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2006। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर बाय फॉलोइंग लिफो मेथड एंड हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यू एज ऑन 13th नवंबर 2011। हम आगे डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट पर यूनिट रुपीज़, 2011 नवंबर परचेज यूनिट 180 रुपीज़ 2, फिफ्थ परचेज 360 रुपीज़ 3, नवंबर 12 इश्यू 300, नवंबर 18 परचेज 424 रुपीज, नवंबर 20 इश्यू 480, नवंबर 21 परचेज 185 रुपीज, नवंबर 27 इश्यू 18। ये एग्जांपल जीयू एट के एचएन जीयू यूनिवर्सिटीज एसवाई नवंबर 2012 में पूछायो छे। डबल फिगर यानी कि उसकी जो फिगर है वो डबल करके ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेट लिखते हैं। डेट में हमें क्या लिखना है, ईयर, यानी कि 2011 नवंबर फर्स्ट। रिसीप्ट यानी कि परचेज किया है 180, तो क्वांटिटी होगी 180, उसका रेट है 2, यानी कि 2, 180 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 360। अब हम देखते हैं उस डेट को हमने कोई ज़्यादा इश्यू किया, मटेरियल इश्यू किया नहीं, तो हमारा बैलेंस वही का वही सेम रहेगा, क्वांटिटी में 180, रेट 2 यानी कि 360। उसके बाद देखते हैं डेट फिफ्थ को परचेज किया है 360, यानी कि डेट फिफ्थ को परचेज किया है 360, उसका रेट है 3 रुपीस, यानी कि 3 रुपीस। तो अब हमको मिलेगा 1080। उसके बाद उस दिन कोई इश्यू किया नहीं है, तो हमारा बैलेंस होगा पुराना 180 और नया 360, कुल मिला के 540। 180 का रेट है 2 और 360 का रेट है 3, तो यानी कि यहाँ 360 प्लस 1080, तो कुल मिला के अब हमको मिलेगा 1440। अब आगे डेट 12 को इश्यू किया है 300, तो हम डेट 12 को इश्यू किया है तो रिसिप्ट के कॉलमों में डेस, इश्यू में इनवर्ड नंबर में भी डेस, क्वांटिटी देखते हैं कितनी है 300, तो ये हमारे 300। अब कौन सा देंगे, ये वाला कि ये वाला, तो हम यहाँ देखेंगे मेथड कौन सी है, लिफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट आया है वो, तो लास्ट कौन सा है 360, तो 360 में से 300 देंगे तो उसका रेट है 3 यानी कि 900। अब हमारा बैलेंस है
80 उसका रेट 2 और 360 मेरे 300 चला गया तो उसका रेट है 60। तो 180 प्लस 60 तो 240। 180 का रेट 2, 60 का रेट 3, तो 180 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 360 और 60 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 180, तो कुल मिला के हुआ 540। अब हम आगे देखते हैं, नवंबर 18th को परचेज किया है, तो 18 नवंबर उस दिन परचेज किया है, तो रिसिप्ट में इनवर्ट नंबर में डेस रिसिप्ट में क्वांटिटी में आएगा 420। उसका रेट है 4 रुपीज़ यानी कि 420 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1680। अब उस दिन कोई इश्यू मटेरियल था नहीं, तो हमारे पास बैलेंस बचा पुराना 180, 60 और 420, कुल मिला के हमारे पास बचा 660। 180 का 2, 60 का 3 और 420 का 4 यानी कि 360, 180 और 1680। तो अब हमारे पास हुआ 2220। अब हम आगे देखते हैं, नवंबर 20 को इश्यू किया 480, तो नवंबर 20 इश्यू किया इसीलिए रिसिप्ट के कॉलमों में डेस इश्यू में आएगा 480। अब हमारी मेथड है लिफो मेथड, तो लिफो मेथड में हम सबसे पहले लास्ट वाला देंगे, तो लास्ट वाला है 420 और उसमें अभी कितने बचे 60, तो वही 60 ऊपर वाला है, तो 420 और 60 हमने दे दिया। 420 का रेट था 4 और 60 का रेट था 3। 420 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1680 और 60 का रेट 3 यानी कि 180। कुल मिला के हुआ 1680 प्लस 1080 यानी कि 1860। तो अब हमारे पास ये देखो, ये दोनों तो चले गए, तो अब बचा 180। 180 का रेट था 2 यानी कि 360। फिर से एक बार देखते हैं, हमने सबसे पहले परचेज किया 180, तो हमारा बैलेंस था 180। उसके बाद हमने फिर से 363 रेट पे परचेज किया, तो हमारे पास हुआ 2 टाइप का मटेरियल, 2 रुपीज़ का और 3 रुपीज़ का। उसके बाद हमने 12 डेट को इश्यू किया 300, तो लास्ट मेथड वाली है लिफो मेथड, तो लास्ट में से देना है, तो लास्ट में से दिया तो उसमें से 60 बचा, पुराना तो ऐसा का ऐसा। उसके बाद परचेज किया 420, तो हमारे पास कुल मिला के 660 हुए। उसके बाद 20 को हमने इश्यू किया 480, तो अब हमारे पास लिफो मेथड, लिफो में से लास्ट में से लेना है, पर लास्ट हमारे पास था 420, तो 420 और अब फिर से देने का बचा 60, तो वो उसके आगे वाले स्टॉक में से लिया, तो ये दोनों लास्ट में आया हुआ दोनों स्टॉक चला गया, तो हमारे पास था बचा 180। अब हम अभी देखते हैं, नवंबर 21 को परचेज किया, नवंबर 21 उस दिन परचेज किया, कितना परचेज किया है 180, उसका रेट है 5, तो 180 मल्टीप्लाई 5 तो अब हमको मिलेगा 900। उस दिन हमने कोई इश्यू किया नहीं, तो इश्यू के कॉलम में डेस। अब हम देखते हैं पुराना 180
और नया भी 180, यानी कि हमारे पास हुआ 360। पुराना 180 है उसका रेट 2 और नया है उसका रेट 5। तो पुराना है यानी कि 360 और जो नया है उसका 900। तो कुल मिला के हुआ 1260। उसके बाद हम देखते हैं 27 को, नवंबर 27 को इश्यू किया 80। तो नवंबर 27 इश्यू किया है तो रिसीप्ट में डैश होगा, इनवर्ड नंबर में भी डैश, यूनिट ट्वेंटी सेवन को हमने इश्यू किया 80। तो अब हमारी मेथड है लिफो मेथड। तो लिफो यानी कि लास्ट आया हुआ फर्स्ट है, तो ये दोनों में से लास्ट है 180 और उसका रेट है 5, तो उसमें से हमें ये 80 देना है, तो यानी कि उसका रेट लगेगा 5। तो 80 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 400। तो अब हमारे पास बैलेंस बचा पुराना 180 और नया 100। 180 में से 80 चला गया यानी कि 100। तो अब हमारे पास बचा 280। 180 का रेट 2, 100 का रेट 5 यानी कि 360। 105 का रेट 500 यानी कि 500 प्लस 360 यानी कि 860। अब हम देखते हैं कि हमारा सारा का सारा एग्जांपल हो गया, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। और इसी 180 तो बैलेंस बचा था 180, फिर से हमने परचेज किया तो बैलेंस हुआ और उसके बाद इश्यू किया। इश्यू की मेथड थी लिफो, दो में लास्ट वाले में से दिया। उसके बाद फिर से परचेज किया तो बैलेंस 3 टाइप का हुआ। उसके बाद फिर से हमने इश्यू किया 180, हमारा बैलेंस मेथड था लिफो यानी लास्ट वाला, बट लास्ट वाला था 4020, तो 60 को बचा था, तो वो 60 ऊपर वाले में से दे दिया उसके आगे वाले में से। तो अब हमारा 480 हो गया। उसके बाद हमने फिर से परचेज किया 180 और लास्ट में हमने इश्यू किया। अब हम टोटल करते हैं और रिसिप्ट के क्वांटिटी का, तो रिसिप्ट के क्वांटिटी का टोटल हम करेंगे तो हमको मिलेगा 180 प्लस 360 प्लस 420 प्लस 180 यानी कि 1140। 360 प्लस 1080 प्लस 1680 प्लस 900 यानी कि 4020। उसके बाद हम टोटल करेंगे इश्यू की क्वांटिटी का, तो इश्यू की क्वांटिटी है 300 प्लस 480 प्लस 80, तो वह 860। अब हम इश्यू के अमाउंट का टोटल करेंगे, तो इश्यू का अमाउंट का टोटल है 900 प्लस 1860 प्लस 400, तो अब हमारा टोटल हुआ 3160, उसमें से 4020 लेस हुए। तो अब हमें बैलेंस लिखना है कि बैलेंस का टोटल करना नहीं है, बट रिसिप्ट की क्वांटिटी में से इश्यू की क्वांटिटी लेस करनी है। तो 1140 में से 860 लेस करेंगे तो हमको मिलेगा 280, और अमाउंट 4020 में से 3160 लेस करेंगे तो हमको मिलेगा 860। तो यह हमारा सम हो गया। तो ये रहा आपका पूरा सम लिफो मेथड के अनुसार, एग्जांपल नंबर 2। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है फिफो मेथड का। ये देखो फिफो मेथड का, तो हमने फिफो मेथड का को स्टॉक यानी कि स्टॉक रजिस्टर बना दिया है। अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ वन बेसिक रॉ मटेरियल आइटम यूज्ड इन अ केमिकल प्रोडक्ट। द फॉलोइंग डेट रिलेटेड टू द मंथ ऑफ मार्च 2011। फर्स्ट मार्च ओपनिंग बैलेंस 100 केजी 4.90 per kg। फोर्थ मार्च रिसीव्ड 50 kg रुपीज 5 per kg। 10 मार्च इश्यू 50 kg। 15 मार्च मटेरियल फ्रॉम द अबव इश्यू रिटर्न फ्रॉम द प्रोसेस 10 kg। यानी कि जो हमने इश्यू किया था 50 kg, उसमें से 10 kg रिटर्न आ गए। उसके बाद 20th मार्च रिसीव्ड 100 kg रुपीज 2.20 per kg। उसके बाद 25th मार्च इश्यूड 150 kg। उसके बाद 28th मार्च रिसीव्ड 80 kg रुपीज़ 5.25 per kg। ऑन द 31st मार्च 2011 द स्टॉक वेरीफाइड डिटेक्टेड अ स्टोरेज ऑफ 5 kg। यानी कि 31st मार्च को स्टॉक का वेरिफिकेशन किया, उस टाइम 5 kg की उनको घट मिली। प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर अंडर फिफो मेथड, यानी कि हमें फिफो मेथड का स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करना है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है स्टॉक रजिस्टर फिफो मेथड के। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च 2011, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसमें डेट लिखते हैं, तो डेट है 2011, मंथ है मार्च, मार्च की फर्स्ट डेट। तो अब हम देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कितना है 100 kg, तो क्वांटिटी में 100। अब रेट, तो रेट कितना है 4.90, तो 4.90, 100 मल्टीप्लाई 4.90 तो होगा 490। अब उसका इनवर्ड नंबर बैलेंस इश्यू हुआ नहीं है तो उसने बैलेंस, अब हमारे पास बैलेंस बचा ये पूरा का पूरा, हमने इश्यू भी नहीं किया तो पूरा का पूरा बैलेंस ऐसा का ऐसा, क्वांटिटी में 100, रेट में 4.90 यानी कि 490। उसके बाद फोर्थ डेट को, यानी कि फोर्थ डेट को हमने रिसीव किया है, तो रिसीव किया है ना, रिसीव में आएगा कितने यूनिट है 50 यूनिट, तो 50 kg। उसका रेट है 5 per kg, तो 50 multiply 5 यानी कि 250। उस दिन भी इश्यू नहीं किया, तो अब हमारा बैलेंस पुराना वाला 100 नया 50 दोनों मिलके 150। पुराने वाले का 4.90, नया का 5 यानी कि 490 और 250, कुल मिला के हुआ 740। तो अब उसके बाद 10th मार्च को इश्यू किया है, तो ये 10th मार्च उस दिन इश्यू किया है, तो रिसिप में आएगा नहीं, इश्यू के कॉलम में इनवर्ड नंबर में भी लेस, क्वांटिटी 50। अब हमारी मेथड है फीफो,
फर्स्ट आया, फर्स्ट लेना है तो फर्स्ट आया है 100, उसमें से हमने 50 दिया तो उसका रेट है 4.90। तो अब हमको मिलेगा 245। तो अब यहाँ पे 50 और ये नया 50 दोनों मिला के हमारे पास स्टॉक बचा 100। ये 50 का 4.90, इसका 5, तो उसका 245 और इसका 250, यानी कि हमारे पास हुआ 495। अब हम देखते हैं उसके बाद 15th मार्च को मटेरियल फ्रॉम द अबव इश्यू रिटर्न फ्रॉम द प्रोसेस 10 kg, यानी कि 15 डेट को हमने जो आगे इश्यू किया हुआ माल था कितना था 50, उसमें से 10 kg रिटर्न आए, तो जो बेचा हुआ माल रिटर्न आता है तो हमें उसको परचेज मानना है, तो परचेज हुआ 10 kg, बट उसका रेट क्या था 4.90, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4.90, यानी कि 10 × 4.90 यानी कि 49। अब उस टाइम को इश्यू था नहीं। अब हम देखते हैं कि ये पुराना वाला स्टॉक है उसमें से दिया था तो ये 10 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 50 + 10 यानी कि 60 और ये 50, तो 110, उसका रेट है 4.90 और उसका 5, तो होगा 60 × 4.90 यानी कि 294 और उसका 250, कुल मिला के हुआ 544। फिर से एक बार कहती हूँ कि जो 15th मार्च को जो हमने आगे 10 मार्च को मटेरियल इश्यू किया था वो 15 मार्च को उसमें से 10 kg रिटर्न आया, तो वो हमें परचेज मानना है यानी कि वो रिसीव मानना है, इसीलिए हमने रिसीव के कॉलम में लिखा 15th को 10 kg, उसका रेट यही था 4.90 यानी कि 49। तो अब हमारा बैलेंस बचा पुराना था 100, उसमें से हमने ये 50 दिया था तो हमारे पास बचा था 50, तो उसमें ये उसका था तो ये उसमें ऐड हो गया, मतलब 50 + 10 यानी कि 60 + 50, तो दोनों मिला के हुआ 110, तो 544। अब आगे 20th मार्च को रिसीव किया है 100 kg, यानी कि 20th मार्च रिसीव किया है 100 kg, उसका रेट है 5.20, तो 5.20 यानी कि 520 होगा। अब उस टाइम इश्यू किया है दिस, उस टाइम हमने इश्यू नहीं किया तो उसमें दिस। अब हमारे पास पुराना था 60 और ये नया आया 100, तो अब हमारे पास हुआ 210। 60 का रेट था 4.90, 50 का रेट था 5 और 100 का रेट था 5.20, तो अब हमको मिला 60 × 4.90 यानी कि 294, 50 × 5 यानी कि 250 और 100 × 5.20 यानी कि 520, कुल मिला के हुआ 1064। उसके बाद 25 को इश्यू किया है 25 को इश्यू किया है कितना मटेरियल इश्यू किया है 100 इश्यू किया है तो इसमें नहीं आएगा, रिसिप्ट में नहीं आए तो उसमें डेस, इश्यू किया है तो इश्यू में इनवर्ट नंबर में भी डेस, कितना इश्यू किया है 150, तो ये था 150। अब हम देखते हैं कि इन तीन में से कौन सा देंगे फर्स्ट, तो जो हमारी मेथड है फर्स्ट आया है वही फर्स्ट जाएगा, तो फर्स्ट कितना है 60,
और दूसरा कितना है 50, दोनों मिला के 110 हुए और अब बचा कितना 40। तो ये 60 का रेट है 4.90 यानी कि 294, 50 का रेट 5 यानी कि 250 और 40 हम ये 100 में से देंगे तो उसका रेट है 5.20 यानी कि 40 × 5.20 तो अब हमें मिलेगा 208 प्लस 250 प्लस 294 यानी कि 752। तो अब हमारा स्टॉक हुआ, बैलेंस बचा ये 60 चला गया, ये 50 भी चला गया, 100 में से 40 भी चला गया, तो अब बचा 60, उसका रेट है 5.20, तो 312। उसके बाद 28 मार्च रिसीव, 28 मार्च को रिसीव किया है तो कितना रिसीव किया है 80 kg। इनवर्ड नंबर में डेज, क्वांटिटी में 80, उसका रेट है 5.25, तो 5.25 80 × 5.25 तो होगा 420। उस दिन कोई इश्यू मटेरियल किया नहीं था तो उसमें डेज। अब हमारा बैलेंस कितना हुआ, पुराना 60 नया 80, तो 60 + 80 तो 140। 60 का रेट था 520, 40 का रेट था 5.25, तो 60 × 5.20 यानी कि 312 और 80 × 5.20 यानी कि 420। तो अब हमारा हुआ 730। अब हम आगे, ऑन 31st March 2011 द स्टॉक वेरीफायर डिटेक्टेड अ स्टोरेज ऑफ 5 kg यानी कि 31st March को स्टोरेज में हमको घट मिली। जब लास्ट डेट को हमने स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो उस टाइम स्टोरेज में हमको घट मिली, कितनी घट मिली 5 kg की, तो वो हमें क्या है इश्यू में लिखना है। तो रिसीव की कॉलम में डेस, इश्यू के इनवर्ड में भी डेस, 5 kg की घट मिली है तो 60 में से 5 kg हम देंगे तो उसका रेट है 5.20, तो 5 × 5.20 यानी कि 26। अब 60 में से 5 की घट हुई तो हमको मिलेगा 55 और ये 80 ऐसा का ऐसा यानी क्या है कि 135। 55 × 5.20 यानी कि 286 और 80 × 5.25 यानी कि 420। तो 200 मिला के हुआ 706। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। फिर से 100 का माल हमारे पास बैलेंस में था, ये मैंने परचेज़ किया, फिर इश्यू किया, उसके बाद जो इश्यू किया था उसमें से 10 kg रिटर्न आए तो ये वो दोनों रेट सेम हुए। उसके बाद फिर से परचेज़ किया, उसके बाद इश्यू किया, उसके बाद फिर से परचेज़ किया और लास्ट में हमको घट मिली, हमारा स्टॉक घटा। तो अब हम देखते हैं रिसिप्ट के क्वांटिटी का टोटल करेंगे, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करेंगे। तो रिसिप्ट का क्वांटिटी का 100 + 50 + 10 + 100 + 80 तो हमको मिलेगा 340। उसके बाद रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करेंगे, 490 + 250 + 49 + 520 + 420 यानी कि 1729। अब हम इश्यू का टोटल करेंगे, इश्यू की क्वांटिटी का, तो 50
प्लस 150 प्लस 5 यानी कि 205। अब इश्यू का अमाउंट का टोटल करेंगे, 245 प्लस 752 प्लस 26 यानी कि 1023। तो अब बैलेंस का टोटल करने का नहीं है, बट रिसीव के क्वांटिटी में से इश्यू की क्वांटिटी लेस करने की है, यानी कि 340 में से 205 लेस करना है, तो हमको मिलने का 135। और रिसीव के अमाउंट में से इश्यू के अमाउंट लेस करना है तो अब हमको मिलेगा 706। तो ये और दोनों लास्ट में बचा हुआ बैलेंस और ये हमारा बैलेंस दोनों सेम आते हैं, तो हमारा एग्जांपल सही है, उसमें कोई क्वेरी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एग्जांपल। अब हम इसके बाद का एग्जांपल करें।